नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुर चतुर्वेदी। शुरू करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। दक्ष सिविक वॉलंटियर्स को मिल सकता है बेहतर प्रमोशन। कोई भी सिविक वॉलंटियर्स बेहतर काम करता है तो उन्हें पुलिस में बेहतर प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। सोमवार को नवान्न में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में संभवतः सीएम ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा है तथा अधिकारियों से इस पर विचार विमर्श करने के लिए कहा है। राज्य के लगभग 8,500 स्कूलों में हैं 39 से कम स्टूडेंट्स। राज्य के लगभग 8,500 स्कूलों में 39 से कम स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्कूलों की सूची राज्य के शिक्षा विभाग ने तैयार की है। इनमें प्री प्राइमरी से लेकर एचएस स्तर तक के स्कूल शामिल हैं। केवल कोलकाता में ही ऐसे 531 स्कूल हैं जहाँ स्टूडेंट्स की संख्या 39 से कम है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या कम है और शिक्षक अधिक हैं, वहां रैशनलाइजेशन के माध्यम से शिक्षकों का तबादला करना होगा। सागर दिग्गी उपचुनाव के लिए 73.49% वोटिंग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिग्गी विधानसभा सीट पर सोमवार को हुए उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 73.49% से अधिक मतदान हुआ। एक चुनाव अधिकारी ने यह जानकारी दी। मतदान के दौरान किसी अप्रिय घटना की खबरें नहीं आई हैं। 2 मार्च को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना होगी। मंत्री एवं सांसद ने दीदी के सुरक्षा कवच कार्यक्रम किया। मंत्री बेचाराम मन्ना ने सिंगूर में दीदी सुरक्षा कवच कार्यक्रम किया। मंदिर में पूजा अर्चना कर सिंगूर ब्लॉक में स्थित गोपाल नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और मरीजों से बात की। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं को जानने की कोशिश की। स्वास्थ्य केंद्र अथच ध्यान बड़ी बायरोड नूतन बड़ी এই তিনটে কাম হচ্ছে সেন্টারে এখানে এই ধ্যান বড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা পাচ্ছেন नव दंपति का रेल लाइन से शव बरामद। बारासात अंचल के अशोकनगर स्टेशन के निकट बड़तल्ला मोड़ इलाके से सोमवार की सुबह नव दंपति तुषार दास व मोमिता दास का शव बरामद किया गया है। तड़के लगभग 4 बजे लोगों ने शव को देखकर जीआरपी को खबर दी। बनगांव जीआरपी ने शवों को कब्जे में ले लिया। मोमिता ने कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने कहा था कि उसे 18 साल का होने में अभी 6 महीने बाकी है, मगर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रेलवे पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खूब अत्याचारित हुए আমাকে বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে খুব অত্যাচারিত করা হতো। আমার বাবা সুধীর মিত্র, তার দ্বারা আমি প্রচণ্ড অত্যাচারিত হয়েছি। সে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বারণ করেছে। আমার মাও খুব অত্যাচার করতো বাড়ির থেকে। এই মাসের গত 22 তারিখ আমি বাড়ির থেকে বেরিয়েছিলাম। বাবা আমাকে বলেছিল যে ছেলের জন্য সম্পর্ক হচ্ছে, যার জন্য ঝামেলা হচ্ছে, তার কথা আমি বাড়িতে জানিয়েছি। বাবা বলেছে তুই তাহলে তার সাথে বেরিয়ে যা। আমি তার জন্য বেরিয়ে গেছি। এখনও আমার 18 বছর হতে যেহেতু কিছু মাস বাকি আছে, আমি সেটা প্রথমে বুঝিনি, তার জন্য এত ঝামেলা অশান্তি হচ্ছে। আমি একজনের সাথে এখন পালিয়ে এসেছি। ছেলের কি আর খবর পাবো, আমার ছেলে তো আর বেঁচে নেই, কারণ ওই মেয়েটাকে খুব ভালোবাসত। আর মেয়েটার উপর অত্যাচার করার জন্য মেয়েটা চলে আসে। মেয়েটার 17 বছর 18 বছর হতে 6 মাস বাকি ছিল। এটা হচ্ছে গিয়ে বাড়ির চাপ সহ্য করতে পায়নি, যে বিয়ে করেছিল ওরা, ঠিক আছে, বাড়ির থেকে অত্যাচার, মেয়েকে খুব অত্যাচার করতো, মারধর করা হতো, সেই জন্য মেয়ে এখানে চলে এসেছিলো, ঠিক আছে। তারপর বিয়ে হয়েছে, এখানেই ছিল 3 দিন, এখানেই ছিল। তার মধ্যে অনেকবার প্রথম দিন এসে ঝামেলা করেছিল, গায়ে হাত উঠতে তুলেছিল, ঠিক আছে, এসব হয়েছে, ঘটনা হয়েছে। এবার সকালবেলা জানতে পারি যে এরকম ঘটনা ঘটেছে, আমার বন্ধু মারা গেছে। আমি মেয়ে যখন গেছি, আমি গেছি ওদের কাছে, যত শিকার হয়ে গেছি, আমার মেয়ে এসছে, ওরা ভুল করেছে, আমি ভুলটাকে শুধাতে চাই। যেমন মানুষের স্বাভাবিক বিয়ে হয় সেরকম করে দেবো। আমার মেয়েকে আমি দিয়ে দেবো, নিয়ে যাচ্ছি, আপনার ছেলে আপনার কাছে থাকুক। ওরা যেমন ফোনে কথা বলছে তেমন বলবে। ওই জন্য সপ্তাহে একদিন আমি আমার মেয়েকে আমি আপনার কাছে নিয়ে আসবো। আমি একটা সামনে দিনক্ষণ দেখে মেয়েটার দোষও আছে, আমার মাঙ্গলিক দোষ, আপনার মেয়ে সংসার করতে পারবেন, আমার আপনার ছেলে সত্যি আপনার ছেলে মরেও যেতে পারে। আমি এইসব ঠিকঠাক করে যাতে মেয়ে সংসার করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে আপনার ওদের 2 হাত 4 হাত এক করে দেবো। ওরা কোনো রকম আসতে দেয়নি, মেয়েকে আটকে রেখেছে। আমিও জোরজবরদস্তি মহামারী কিছু করিনি, ভালোভাবে বলেছি, মেয়ে আসিনি, আমি চলে এসেছি। তারপরে কোষের সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি, আমি আগে কোথাও যাইনি, যাতে মান সম্মান ব্যাপার, থানা পুলিশ নিয়ে তার কাছে যাইনি, আগে ওদের সাথে কথা বলেছি, ওরা কোনো রকম মেয়েটাকে ছাড়লো না, আটকে রাখলো, আটকে রেখে হাতে রেখে। আব খবর দেশ দুনিয়া কি। मोदी बोले खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
के गृह राज्य कर्नाटक में थे। उन्होंने बेलगावी की सभा में कहा, खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। अब मनोरंजन की खबरें। मीरा राजपूत ने शेयर किया पति शाहिद का अनसीन वीडियो। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर का 25 फरवरी को 42वां बर्थडे था। इस मौके पर शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत ने एक वीडियो शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया। कल का मौसम। मंगलवार का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।